सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि कब 2:30 बजेंगे, कब टैक्सी क्लास स्टार्ट होगी। और एक चीज़ मैं बताना बच सकती है। अगर टैक्स को आसान कोई बनाएगा तो आप बसर बनाएंगे। टैक्स के किंग आप ही हो और आप ही रहोगे, ठीक है जी। टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट विद अटमोस्ट क्लैरिटी एंड द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन योर क्लास इज जस्ट अमेजिंग सर। वी डोंट इवन अंडरस्टैंड हाउ आर 3.5 आवर टाइम पासिस इन आर क्लासेस। सो ऑल दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। और बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये CA इंटर की जर्नी है अभी तक इतनी आसान बनाने के लिए। इनकम टैक्स जो मैंने जी हाँ, टैक्स बहुत ज़्यादा टफ है और काफ़ी वाइड है। तो सर टफ सर वाइड हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, बट सर आपसे पढ़ने के बाद मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि टैक्स काफ़ी टफ है। मैं सच में बताऊं, आप जब कहते थे ना क्लासेस में कि कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में 36 का आंकड़ा है, तो मुझे बहुत डर लगता था कि हमने तो बचपन से कंपनीज एक्ट ही पढ़ा है, तो इनकम टैक्स पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा। पर आपने सच में इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने अच्छे से समझाया, हर कंसेप्ट मतलब यूं क्लियर हो जाता था। क्योंकि मैंने आपकी आपकी एक भी लेक्चर या वीडियोस पहले देखा नहीं था, तो अब मेरे को ऐसा लगा है कि इनकम टैक्स के बिना आपके बिना कुछ नहीं है। टैक्स जय जिनेंद्र सर, आप हमें जो डायरेक्ट टेस्ट पढ़ाते हो ना, बहुत अच्छा पढ़ाते, एक नंबर। आप इसे कोई बढ़ा ही नहीं सकता, आप तो टैक्स के भगवान हो, मैं क्या कहूँ। पर आप ऐसे पढ़ाते हो ना एकदम कतई जहर, क्या पढ़ाते हो आप। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज वंशिका खंडेलवाल। यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड एंड यू आर अ टैक्सेशन किंग। रियली मतलब आप जिस तरीके से पढ़ाते हो ना, वो पढ़ाने का तरीका ही बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत यूनिक है, बहुत एंटरटेनिंग है। आप बीच में हमें एंटरटेन भी करते रहते हैं।